हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। ये है मेरी MT-15 की बनाई हुई हेडलाइट। इसके ऊपर मैंने 3 बार कलर करवाया है क्योंकि पहली बार ठीक से कलर नहीं हुआ था और दूसरी बार थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए मैंने तीसरी बार इस पर कलर करवाया है, वो भी स्प्रे पेंट पर। इसके लिए हमने एक मीटर भी बनाया था। ये MT-15 का जैसा ही मैंने मीटर बनाया है और इसके ऊपर हम रेडियम से कुछ लिखवाने वाले हैं और ये मीटर MT-15 के हेडलाइट के ऊपर ही लगेगा। देखिए, मैं आपको रख कर दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये मीटर यहाँ पर ऐसे लगने वाला है और इसके ऊपर हम रेडियम से वार्निंग लिखने वाले हैं। और ये है MT-15 की हेडलाइट। इसकी जगह पर मैं प्रोजेक्टर लैंप लगाने वाला था पर वो यहाँ पर मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने ये लाइट लगा दी। तो ये देखिए, मैंने आपको MT-15 की हेडलाइट साइकिल पे रख के एक बार फाइनल लुक दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे लगने वाला है और एक बार लाइट भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है इसकी हेडलाइट और इसकी दोनों आइस। ये रात में बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। दोस्तों, इसका जो मीटर है वो यहाँ पर फिटिंग होने वाला है ऊपर की साइड, और इसके दो सस्पेंशन के बाजू में जो छोटे छोटे नट है वो इस मीटर के साथ लगने वाला है। और जो हेडलाइट है उसके फिटिंग के लिए मैं यहाँ पर दो छोटे छोटे मेटल के पीस कट करके यहाँ पर वेल्ड करवाने वाला हूँ, और इसके अंदर हेडलाइट के दोनों स्क्रू लगेंगे और उसे हम खोल भी सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं। और ये नीचे वाले जो हेडलाइट है उसके यहाँ पर स्क्रू लगने वाला है, इसके लिए मैंने दो पीस भी लगा दिए PVC के। और ये जो आगे का व्हील और सस्पेंशन है ये भी दोनों चेंज होने वाले हैं, और इसमें मैं डिस्क और के सस्पेंशन लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे होममेड MT-15 की फाइनल लुक, और इसका आगे का व्हील चेंज होने के बाद इसकी लुक और भी बढ़ जाएगी। और इतना ही था आज की